अस्सलाम वालेकुम जनाब, इन्वेस्टमेंट ट्रैप्स की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। इन्वेस्टमेंट ट्रैप्स क्या होते हैं कि बहुत सी जगहों पे आपको लगता है कि हमने एक सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन वो असल में एक ट्रैप होता है, वो एक जाल होता है जिसमें आप फंसे होते हैं। जैसे सबसे पहला है बैंक डिपॉजिट। तो एक तो इंटरेस्ट वाला फैक्टर है कन्वेंशनल बैंक्स में, यानी आम बैंक्स में। लेकिन अगर आप बैंक को लॉजिकली भी सोचें तो आप एक्चुअली लेट सपोज आप 10% इंटरेस्ट भी अगर ले रहे हैं साल का, तो आप 1,00,000 रुपये पर 10,000 रुपये कमा रहे हैं। लेकिन बैंक उस 1,00,000 को मल्टीपल जगहों पे इन्वेस्ट करके न जाने कितने पैसे कमा रहा होगा साल भर में, और आपको बहुत थोड़ा सा अमाउंट मिल रहा है। अगर वो स्टेट लोन भी देते 40% पे किसी को, तो 40,000 वो उस 1,00,000 रुपये पे कमा रहा है साल में, और आपको दे रहा है 10%, तो 30% का एक नुकसान हो रहा है और आपको, क्योंकि आप क्या पैसा उससे ज़्यादा अर्न कर रहा है अगर इंटरेस्ट की मैं बात करूँ तो। एक ये इन्वेस्टमेंट ट्रैप होता है थोड़ा सा, और वैसे भी इंटरेस्ट है इस वजह से अगर उसको हम अवॉइड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। सेकंड आता है इस्लामिक बैंकिंग में, तो इस्लामिक बैंकिंग में इंटरेस्ट नहीं है बहरहाल, उस पर उलमा इकराम की दो राय है। लेकिन अगर हम इसको इस फतवे को ले लेते हैं कि इंटरेस्ट नहीं है वो और हलाल प्रॉफिट है, तो स्टिल प्रोसेस तो सेम ही है ना, कि उसमें बैंक का शेयर तो एटलीस्ट ज़्यादा है, तो आपको अमाउंट कम मिल रहा है। तो अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करें और थोड़ा सा, जैसे मैंने एक्टिव इन्वेस्टमेंट का भी पार्ट किया है, पैसिव इन्वेस्टमेंट का भी पार्ट किया है वीडियो का, उनको थोड़ा देखें और कुछ स्टेप्स लें, तो आई थिंक के इट वुड बी बेटर, आपका परसेंटेज ऑफ अर्निंग जो होगी ना वो ज़्यादा होगी और हलाल तरीके से होगी और आपकी आंखों के सामने होगी। और बहरहाल इस्लामिक बैंकिंग में हलाल हराम पर हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि उलमा इकराम दोनों स्कूल ऑफ थाट्स हैं उसमें, एग्रीड भी हैं और डिसएग्री भी हैं। लेकिन हम एग्री वालों को भी अगर ले लेते हैं तो स्टिल आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या होगा वो कम होगा। बट इन्वेस्टमेंट कंपनीज, अगर तो वो रजिस्टर्ड कंपनीज है तो स्टिल प्रॉफिट शेयरिंग उनके साथ हो रही है। अच्छा, फिर बाजू का आता है आपका कोई रिलेटिव आपसे पैसे मांग रहा है कि मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, या कोई अनरजिस्टर्ड कंपनीज है, तो दे आर रियली रिस्की। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। कुछ अर्से पहले हमारे बहुत जानने वालों के साथ ऐसा हुआ कि वहाँ पर वो कोई किसी बिजनेस में लगा रहे थे पैसे, और जो है ना वो लेने वाला 1,00,000 रुपये पे 5-6,000 रुपये पर मंथ प्रॉफिट दे रहा था। बैंक कहाँ साल में 10,000 भी नहीं देता, वो पर मंथ 5-6,000 दे रहा था। तो लोगों ने ऐसा भी किया, अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच के लाखों कुछ ना करोड़ों रुपए उस बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिए, और बाद में पता चला वही हुआ जो मैंने गाँव की बंदर वाली एक स्टोरी आपको सुनाई थी किसी वीडियो में, तो वो पैसे लेके भाग गए और लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ जो बेची थी, जो सब कुछ किया था, वो सब लॉस में चले गए। और इवन उसमें ऐसे भी लोग आए जानने वाले कि उन्होंने किसी और ने उनके पास पैसे अमानत रखवाए हुए थे, उन्होंने वो पैसे वहाँ पे लगा दिए और वो लॉस में, और जब वो गए तो अब वो लायबिलिटी उनके सर पे आके खड़ी हुई। तो ये अगेन कोई आपको लेके नहीं डूब रहा, आपकी लालच आपको लेके डूब रही है, तो नहीं करें ऐसा, ठीक है ना। और अनरजिस्टर्ड को तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के जाएँ, बिल्कुल रिलायबल इंसान हो, सब देखा वाला हो। स्टिल पैसा एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी वक्त किसी को भी परेशान कर सकता है जनाब। फिर इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, तो लोग कुछ इंश्योरेंस कंपनीज़ के पास चले जाते हैं कि हम डॉटर मैरिज प्लान ले रहे हैं, हम एजुकेशन प्लान ले रहे हैं। अगेन उसमें प्रॉफिट शेयरिंग होती है, कुछ उनकी तरफ जाता है, कुछ उनकी तरफ जाता है, और अगर कन्वेंशनल है तो वो इंटरेस्ट बेस पे काम करेगा, तो इसको भी अवॉइड कर लें। सेल्फ इंश्योरेंस पे चले जाएँ, सदका दें, अल्लाह ताला माल की हिफाजत करते रहेंगे और ख़ुद लॉजिकली जो चीज़ें सेव कर सकते हैं उसकी ज़कात। बात आता है जी शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट के बड़े मसले मसाइल हैं, वो सीख लें, सीख के जाके करें। और इस्लामिक शेयर्स की बात करें तो मैं किसी भी चीज़ से मना नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम किसी एजेंट के थ्रू अगर जाते हैं बाजू का, तो हम ट्रैप में आ जाते हैं, ये बिना सीखे बिना नॉलेज के जाते हैं तो ट्रैप में आ जाते हैं। तो शेयर मार्केट में बहुत कुछ होता है, बुल्स ज़रा सर्च कर लीजिएगा क्या क्या होते हैं, बेयर सर्च कर लीजिएगा कि क्या होते हैं, कि कैसे मार्केट में खुद पर खुद प्राइस को हाइप किया जाता है, और एक अननोन बंदा आके दिखता है कि भाई ये शेयर कल तो 100 रुपये का था, आज 150 रुपये का हो गया, तो मैं बाय कर लेता हूँ। वो बाय करता है और पता चलता है कि वो आर्टिफिशियली प्राइस को इंक्रीज़ किया गया था, वो शेयर वापस पीछे आता है। तो जिन्होंने इंक्रीज़ किया था वो तो आपको बेच के निकल गए, लेकिन जब वो वापस शेयर पीछे आता है तो आपका लॉस हो चुका होता है। तो इसको बहुत देखभाल के और बहुत समझ के फिर स्टेप लेने की बात है। स्टेप लेने से मना नहीं करता, या एटलीस्ट इतने स्टेप पैसों से लें कि उन पैसों को आप सिक्योर, अगर वो लॉस हो तो वो अफोर्डेबल लॉस हो, आप उस लॉस से परेशान। इसके अलावा जो घर और गाड़ी है, अगर वो रहने के लिए है तो अगेन वो हमें लग रहा होता है कि हमारी गाड़ी हमारी इन्वेस्टमेंट है, अगर एक्स्ट्रा है यूज़ के अलावा तो इन्वेस्टमेंट नहीं है भाई, वो ट्रैप है। उसमें आपके पैसे हर महीने निकल भी रहे होंगे, मेंटेनेंस पे, फ्यूल पे, बहुत सारी चीज़ों पे, तो आपकी फ्रेंड नहीं है क्या वो आपकी जेब में पैसे डाल रही हो, वो पीएफ से पैसे निकाल। तो इन चीज़ों को ज़रा थोड़ा कुछ इन ट्रैप्स को सामने रखें, तो थोड़ा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बने। उसके लिए मज़ीद वीडियोस भी जो मैंने अपलोड की हैं वो ज़रूर देखें, और हमारे ऑनलाइन कोर्सेज का भी हिस्सा बने, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उनसे। थैंक्स अ लॉट।
हाँ।